हेलो दोस्तों, अक्सर इस तरह ज़रूर पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबा क्या है, या भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सा है, सबसे चौड़ी लंबी नदी कौन सा है, यानी लंबा छोटा चौड़ा इस सब के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि फलना चीज लंबा है, कितना लंबा है, कुतुब मीनार कितना ऊँचा है, इस बारे में। तो लंबा, बड़ा, छोटा, इन सबसे जितने भी सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में हम आज लेकर आए। तो शुरू करते हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है, लेकिन पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, और ये भारत का दूसरा सेकेंड सबसे बड़ा राज्य भी है। और छोटा राज्य की बात की जाए तो गोवा है। जी हाँ दोस्तों, गोवा सबसे छोटा राज्य है, और छोटा राज्य जनसंख्या में अगर देखा जाए तो सिक्किम है, और बड़ा जिला जो देखा जाए तो कच्छ है, जो कि गुजरात में है। सबसे पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, गुजरात में है। छोटा जिला वो है माहे पुंदुचेरी में। पुंदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऊंची चोटी की बात की जाए तो K2 है, या जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, सबसे ऊंचा चोटी है भारत का। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके बाद दक्षिणी भारत की लंबी नदी जो है वो है गोदावरी। गोदावरी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है, और सहायक नदी की अगर बात की जाए तो यमुना है। तो अब दूसरा, बड़ी झील की अगर बात की जाए तो व्हीलर झील है जम्मू कश्मीर में। और अगर खारे पानी की अगर सबसे बड़ी झील की बात की जाए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील की अगर बात की जाए तो वो तो है राजस्थान में सांभर झील। जी हाँ दोस्तों, सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान में मौजूद है। ताजे मीठे जल की बड़ी झील है वही है व्हीलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। खारे लवणीय जल की बात तो चिल्ला जिसे कहते हैं साबरमती चिल्ला। सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है। चोलामू झील सिक्किम में सबसे ऊंचाई पर है चोलामू झील। अब बड़ी कृत्रिम झील की बात किया है तो गोविंद सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि जिसे आदमियों द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम झील कहते हैं। तो गोविंद सागर सबसे बड़ी झील है कृत्रिम झील में। लंबा समुद्र तट की बात किया है तो मरीना तट सबसे लंबा है, मरीना बीच जिसे चेन्नई में है, मरीना तट सबसे लॉन्गेस्ट है। और लंबी तट रेखा वाला राज्य अगर कहा जाए तो गुजरात है। गुजरात या दोस्तों, लंबी तट रेखा प्रायद्वीप राज्य है आंध्र प्रदेश है। लंबी तट रेखा बोलते हैं जो समुद्र से सटा हुआ हो, समुद्र से सटा हुआ जो होता है उसको तट रेखा बोला जाता है। ऊंचा बांध की बात किया यानी डैम की बात किया है तो टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में। लंबा बांध की बात किया है तो हीराकुंड है, जो कि महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध सबसे लंबी बांध है। बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH-7 है, जो कि 3,359 किलोमीटर है। NH-7 सबसे बड़ा राजमार्ग है। उसके बाद छोटा राज्य मार्ग है NH-47A, जो कि 6 किलोमीटर का है। सबसे लंबी सड़क की बात किया है तो ग्रैंड ट्रंक रोड है, 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर इसे सर के आजम रोड के नाम से भी जाना जाता था। बड़ा रेगिस्तान की बात किया है तो थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में है। और विश्व की बात किया है तो सहारा मरुस्थल विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है। और बड़ा डेल्टा की बात किया है तो सुंदरवन है। और लंबी नदी पुल की बात किया है तो महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कि पटना में स्थित है। और बड़ा गुफा की मंदिर की बात किया है तो कैलाश मंदिर है, एलोरा में है। इसे बनाया था शासन कृष्ण प्रथम ने बनवाया था 757 ईस्वी में। 757 ईस्वी में यह जिला औरंगाबाद में स्थित है। लंबी रेल सुरंग की बात की जाए तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल लंबी सुरंग है। और लंबा रेल मार्ग की बात किया है तो डिरबुर्ग से कन्याकुमारी लंबा रेल मार्ग है। कहाँ से? डिरबुर्ग से कन्याकुमारी तक। उसके बाद लंबे रेल प्लेटफार्म की बात किया है तो ये फेमस है, ये गोरखपुर में है। ये गोरखपुर में है। कितना? 750 सॉरी 705 मीटर है।
705 मीटर है। उसके बाद सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान की बात किया है तो भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है जो भारत में दिया जाता है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान की बात किया है तो परमवीर चक्र। ऊंचा जलप्रपात की बात किया जोग है गारसोप्पा, जिसे गारसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है, ऊंचा जलप्रपात है। और लंबी नहर की बात किया है तो इंदिरा गांधी नहर है, कहाँ पे है, राजस्थान में। ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है जो कि आगरा में स्थित है। बड़ा लीवर पुल की बात किया तो हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रेजेंट है। यह ऊंचा ब्रिज है जिसे 1943 में पब्लिकली खोला गया था। उसके बाद गहरी नदी घाटी की बात किया है तो भागीरथी एवं अलकंदा है, गहरी नदी भागीरथी एवं अलकंदा है। जैसे विश्व में सबसे गहरा अगर कोई सागर है तो प्रशांत महासागर है, तो वैसे ही भारत में सबसे गहरी नदी भागीरथी एवं अलकंदा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो मासिंद्राम मेघालय में होती है। ऊंची मीनार की अगर बात की जाए तो कुतुब मीनार है, कितनी हाइट है, 73 मीटर उसकी हाइट है कुतुब मीनार की। बड़ा गुंबद की बात की जाए तो गोल गुंबद बीजापुर में है। बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। उसके बाद बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। बड़ा गिरजाघर की बात किया है तो सेंट कैथेड्रल गोवा में है, सबसे बड़ा गिरजाघर की बात की जाए। बड़ा गुरुद्वारा की तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में। बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है जो कि बिहार शरीफ में है। उसके बाद ऊंची मूर्ति जो है वह गोमेश्वर मूर्ति है जो कि कर्नाटक में स्थित है। और सबसे बड़ा स्टैचू जो है इंडिया में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। उसके बाद बड़ा द्वीप की अगर बात की जाए तो मध्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बड़ा नदी द्वीप की बात की जाए तो माजुली है, माजुली सबसे बड़ा द्वीप है जो कि असम में। छोटी नदी की बात की जाए उमांदा है ब्रह्मपुत्र असम में, छोटी नदी। और सबसे बड़ा आवास यानी रहने का यह है तो राष्ट्रीय भवन है। सबसे बड़ा किला जो है लाल किला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि भारत में सबसे लंबा नदी कौन सा है, झील कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, ऊंचा दरवाजा कौन सा है, हावड़ा ब्रिज कहाँ पे है, इसे पब्लिकली कब खोला गया था, छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, बड़ी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है, पॉपुलेशन की दृष्टि में कौन है, और घनत्व की अगर भारत की अगर पॉपुलेशन की बात किया तो विश्व में दूसरे स्थान पर है, और बिहार सेकंड सबसे घना ये है, घना पॉपुलेशन वाला स्टेट है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज मिली होगी। अगर आपको कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।